हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 82। जो ये वर्कशीट बेसिकली निर्धारित है 5 फरवरी 2021 के लिए, और ये वर्कशीट जो आपकी अध्याय 13 है उसका रिवीजन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वन बाई वन हम ये सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान है। तो हम ये मान लेते हैं ये शंकु है और ये बेलन है, ठीक है। इनका आधार सेम है तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या भी सेम होगी और ऊंचाई समान दी हुई है। तो अब आपको अनुपात पता है, शंकु है उसका अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो आपका बेलन है, बेलन का क्या आयतन का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसल हो जाएगा और आपका आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3। और बी आपका सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक आर सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभव लंबवर्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है, ठीक है। एक देखिए, ये घन दिया हुआ है, इसके आर सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से ये आपका आर सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके साइड, ठीक है। इसमें से काट के एक आपका शंकु काट कर निकाला गया है, तो शंकु का सबसे पहले तो शंकु का डायमीटर कितना हो जाएगा, जो आपका घन है उसकी साइड का हाफ हो जाएगा। इसकी साइड आर सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, ये आर सेंटीमीटर दी, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ इस बेसिकली जो शंकु है उसका रेडियस त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, घन की साइड कितनी दी हुई है, तो आपका घन है उसकी, घन की जो साइड दी हुई है आपको आर सेंटीमीटर, ठीक है, वो आपकी जो है आपका शंकु है उसकी ऊंचाई के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ये आर सेंटीमीटर। और ये आपकी शंकु की ऊंचाई एच है, मीन्स एच इक्वल टू आर हो गया यहाँ पे। अब शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या आपकी डी बाई टू, डायमीटर बाई टू, और डायमीटर कितना है आपका आर बाई टू, ठीक है, ये आर पूरी इसकी साइड है तो आर बाई टू इसका जो डायमीटर होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है, आर डैश। अब आपको पूछा क्या, शंकु का आयतन पूछा गया है। शंकु का आयतन आपका फॉर्मूला क्या होता है, उसका आयतन फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर आर डैश स्क्वेयर एच, ठीक है, आर डैश स्क्वेयर एच। आर डैश कितना है, आर बाई टू, एच कितना है, आर के इक्वल है, तो आपका जो आयतन हो जाएगा शंकु का वो हो जाएगा 1/12 पाई आर 3। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले वाले त्रिज्या की आधी, और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो पहले वाले की दोगुनी, तो उसका आयतन कितना होगा, तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई नई त्रिज्या का स्क्वायर इनटू नई हाइट का स्क्वायर। और नई त्रिज्या कितनी है, पहले वाली त्रिज्या का हाफ, वो पुटअप कर देंगे r/2 r1/2। एच टू कितनी है, 2h1 पुटअप कर देंगे, तो ये पहले वाले त्रिज्या का बेसिकली आधा आ जाएगी नया आयतन, ठीक है, पहले वाले आयतन का आधा आ जाएगा नया आयतन। यहां से देखिए, 1/2 v1, v1 क्या है, पहले वाला आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो v हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है, ये बेलन मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, मींस रेडियस और उसकी ऊंचाई, ये शंकु है, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, और उसमें क्या बताना है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन मालूम है आपको क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो दिया हुआ है आपको। चौबीस शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया हुआ है 24। ये देखिए, तो यहाँ पे 24 पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो बी आपका सही आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 5/3, h1/h2 मान लेते हैं ऊंचाइयों का अनुपात, और त्रिज्याओं का भी अनुपात दिया हुआ है 2/3, उसका जो है आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आयतन आपको मालूम है, शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
आर्वन स्क्वेयर एच दो समको दिए हुए ना, तो एक का आर्वन एच मान लेते हैं आर्वन एच वन, दूसरे का रेडियस मान लेते हैं आर टू, और हाइट मान लेते हैं एच टू। एच वन अपन एच टू दिया हुआ है 5/3, आर वन बटा आर टू दिया हुआ है 2/3, तो ये आपका 20/27 आपका सही उत्तर आ जाएगा, जो आपका उत्तर है 20/27 बी। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप आपके सही सोल्व हो गए हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए एक शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः, मीन्स एक एच दिया हुआ है और एक त्रियक ऊंचाई दी हुई है, ठीक है स्लेंट हाइट दी हुई है, तो दोनों की एक 21 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, त्रियक ऊंचाई आपकी 28 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु का आयतन निकालना है, आयतन आपको मालूम है क्या होता है, आयतन आयतन होता है आपका 1/3 πr² h, यहाँ से r नहीं निकाल सकते, r आप स्क्वेयर रूट ऑफ है वो त्रियक ऊंचाई का स्क्वेयर माइनस ऊंचाई है उसका स्क्वेयर, तो आपका त्रिज्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 7/7। ठीक है, तो ये त्रिज्या जो r है वो इसके आयतन के फॉर्मूले में यहाँ पुट अप कर देंगे, तो आपका आयतन आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, ये आयतन दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/3 πr² h, तो यहाँ से आप r निकाल लेंगे, r आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना क्या है इसके, इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए 15 इसका आयतन दिया हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या निकालनी, यही निकालने थे आपकी त्रिज्या, त्रिज्या आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, और यदि इसका डायमीटर निकालना हो तो इसका डायमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, यदि बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और खोखले अर्ध गोले में पूर्ण रूप से घिरा हो। देखिए एक अर्ध गोला है, आप एक जब एक गोला बनाते हो तो किसी भी उसके गोले की जो आपका किसी भी पॉइंट से यदि हम उसका मध्य पॉइंट मिलाते हैं तो वो सब उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें से अर्ध गोले में से एक शंकु बनाया गया है, ठीक है ये एक शंकु बना दिया, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो उसकी त्रिज्या है उसके बराबर हो जाएगी, और शंकु की त्रिज्या जो आपका अर्ध गोला है उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और एच भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और निकालना क्या है आपका, आपको उसकी आयतन निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए तो जो आपका शंकु है उसका आयतन निकालना है, शंकु का आयतन आपका फॉर्मूला मालूम है 1/3 πr² h r × r × h, ये आपका आ जाएगा 359.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, बड़े समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसको घुमाया जाता है 8 सेंटीमीटर के, यदि इस त्रिभुज को घुमाया जाता है 8 सेंटीमीटर के, तो क्या बनाएगा, यहां से आपको साफ दिख रहा है यदि इसको घुमाएंगे हम, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये एक आपका शंकु बनाएगा। ठीक है, तो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी शंकु की। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार शंकु का आयतन निकालना, शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला मालूम है 1/3 πr² h। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 341 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है एक आपका बेलन का। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, एक और इस बेलन ये आइसक्रीम से भर दिया है बेलन, अब इस बेलन में से आइसक्रीम ट्रांसफर करी है, इस बेलन में से कोन बनाए गए हैं उस आइसक्रीम से। ठीक है, तो हमें कितने कोन बनाए गए हैं वो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ कोन बनाए गए हैं। तो देखिए इस बेलन का जो आयतन होगा उतनी तो आइसक्रीम होगी, इक्वल टू यदि हम नंबर ऑफ कोन्स और जो एक जो आपका शंकु है उसका आयतन के इक्वल पुट अप कर देंगे तो यही तो आपको दिया हुआ है। तो देखिए तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच, आर भी दिया हुआ है एच भी दिया है, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु की त्रिज्या भी दी हुई है और उसकी ऊंचाई भी दी हुई है, तो शंकु की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। यदि मान लेते हैं कि आपके शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या मान लेते हैं
यहां से समकों की संख्या मान लेती है हमने एन, तो जो बेलन है उसका आयतन इक्वल टू एन गुना जो आपका समकू है उसका आयतन। तो यहाँ से आप जो समकों की संख्या एन वो नहीं निकाल सकते, यहाँ सभी आर वन भी दिया हुआ है, एच वन भी दिया हुआ, आर भी दिया हुआ, एच भी दिया हुआ, तो यहाँ से समकों की संख्या आ जाएगी 15, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये सभी एक्सरसाइज हमने, ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने वन बाय वन सोल्व कर लिया। यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आल्सो ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस एक्सरसाइज को इजिली सोल्व कर पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। सो धन्यवाद बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।